ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एक जो सीट है वो है लद्दाख, वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के उभार की कहानी है जुनैद साहब, वो 10-11 साल की है बस। थुपस्तान छेवांग बने सांसद और उसके बाद जमयांग सेरिंग नामग्याल। इस बीच सोनम वांगचुक वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां एक एक्चुअल सेंटीमेंट है कि सिक्स शेड्यूल उनको चाहिए ही, क्योंकि पर्यावरण के अलावा जो बिजनेस से जुड़े हुए बहुत सारे मसले हैं। क्या इस बार वो जो सफ़ेद पहाड़ हैं वहाँ से बीजेपी फिसल सकती है क्या, सिर्फ इस प्रोटेस्ट की वजह से कि एक सेंटिमेंट ऐसा बना कि पिछले जब से 2019 से 370 हटा और राजनाथ सिंह वहाँ गए, उन्होंने वादा किया कि हाँ हम सिक्स शेड्यूल देंगे, एक स्थानीय स्तर पर रोजगार की का ये मेक श्योर करेंगे कि बाहर के लोग आकर के होटल ना खोलें यहाँ पर। अर्जुन मुंडा उस समय मंत्री थे तो उनको चिट्ठी लिखी जमयांग सेरिंग नामग्याल ने कि साहब ये दे दीजिए, पर ये मिल नहीं पाया। 2019 से लेकर 24 तक लंबा वक्फा है, क्या इसकी नाराजगी इस बार लद्दाख को झेलनी पड़ेगी, लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ सकती है? लद्दाख कांग्रेस का गढ़ रहा हमेशा, वहां पर जो है कांग्रेस ही जीता करती थी और 2019 का चुनाव भी कांग्रेस ही जीती, लेकिन अपनी गलती की वजह से उस पार्टी ने जो है उसमें जो हमेशा खेमा बंदी रहती है, दो उम्मीदवार खड़े हुए थे, एक तो इंडिपेंडेंट हुआ था कांग्रेस का ही था वो और दूसरा जो है कांग्रेस की टिकट पर, तो उसके बीच जो है वोट डिवाइड हुआ कांग्रेस का और बीजेपी के लिए। वो जो दूसरी लहर थी बीजेपी की पूरे देश में उसका असर भी लद्दाख में तब पड़ा, तो लेकिन लद्दाख के लोग बीजेपी से तब जब यूटी वो 3 दशकों तक मांग रहे थे जब मिली थी 2019 को, तो उनको भी लग रहा था कि काया पलट हो जाएगी फिर अब सब रहेगा, तब जब धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट शुरू होना शुरू हुआ तो उनको लगा कि जो कुछ हमारे पास था वो भी खिसक रहा है हाथ से। जिस तरह जम्मू वालों की ये एक शिकायत थी कश्मीर को लेकर और उसी तरह लद्दाख के लोगों की भी शिकायत थी कि जो मैक्सिमम बजट और चीजें आती हैं या ब्यूरोक्रेसी है वो कश्मीर सेंटर्ड है और कश्मीर की है, वो जबरदस्ती जम्मू पर भी राज करते हैं और लद्दाख पर भी। तो अब पिछले दिनों हमने देखा कई बार प्रोटेस्ट हुए, पहले वो एपेक्स बाड़ी बनी है कारगिल की अलग से, लद्दाख की अलग से बना है, तो उन्होंने जो है वो उनमें से कुछ नेता ये भी कहते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर एज अ स्टेट ही रहना बेहतर था एज कंपेयर टू यूनियन टेरिटरी, तो जाहिर है कि वो सेंटिमेंट जो है वो साफ है। और दूसरा जो बड़ा पहलू है लद्दाख का वो है जिसको कांग्रेस सबसे बड़ा मुद्दा उठा रहा है, वो है चीन का एनक्रोचमेंट और चीन का जो वहां पर 2020 में जो हुआ उसको काफी कोशिश की, लेकिन वो भी एक मुद्दा है और लद्दाख के लोग ये खुले तौर पर कहते हैं आप वहां जाएंगे किसी से भी बात करेंगे कोई नेता इनकार नहीं करेगा कि लद्दाख में जो है चीन ने जमीन हड़पी है, दशकों से ये चल रहा है और पिछले कई सालों के दौरान अभी पब्लिक डोमेन में ये बात आई है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस अंदाज से भारत जोड़ो यात्रा की थी पहले राहुल गांधी ने पूरे देश में जो पिछले साल हुई थी, उसके बाद उन्होंने सेपरेट एक चंक निकाला 7-8 दिन का लद्दाख में, जिसमें वो पूरा लद्दाख एक हफ्ते घूमे नोब्रा से लेकर पूरा करगिल जनस्कार तक, वो भी एक फैक्टर पॉइंट कांग्रेस के लिए और उनके नेताओं और उनके युवाओं और वोटरों में एक एनर्जी उसने बरती थी। उस तरह से कोई बीजेपी के नेता की तरफ से कोई पहल ऐसी नहीं हुई है, तो ये माना जा रहा है कि न सिर्फ लद्दाख के जो करंट सिनेरियो है या सोनम वांगचुक की जो प्रोटेस्ट है उसका न सिर्फ असर लद्दाख में होगा बल्कि उसका असर हो सकता है जिस अंदाज से पॉपुलरिटी उनकी देश में सोशल मीडिया पर बढ़ रही है उसका कुछ थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट जिस तरह से लोग सोनम वांगचुक के समर्थन में आ रहे हैं देश के अलग अलग सोसाइटीज और सेक्शन से, उससे जो है देश के बाकी जो चुनावी क्षेत्र है उन पर भी कुछ जो है बीजेपी को थोड़ा सा फर्क पड़े। जुनैद भाई आप सहमत हैं इस बात से? जहां तक लद्दाख का ताल्लुक है, लद्दाख के लोग 5 अगस्त 2019 को क्या कुछ हुआ उससे खुश हैं या दुखी हैं उसका आंकलन आप इस बात से करिए, उनकी मांग ये नहीं है कि हमको घाटी के साथ दोबारा मिलाइए, उनकी मांग ये नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर से निकले हैं तो हम बड़े दुखी हैं बड़े परेशान हैं, उनकी मांग है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, उनकी मांग है कि हमको लेजिस्लेचर चाहिए, उनकी मांग है कि हमको सिक्स शेड्यूल चाहिए, उनकी मांग है कि हमें लद्दाख में अपना इलेक्टेड लेजिस्लेचर चाहिए 60 सीट वाला, और इसमें वहां के मुसलमान और वहां के जो बौद्ध हैं दोनों यूनैनिमस हैं।
इस यूनानिमिटी, अच्छा इसी यूनानिमिटी का नतीजा है कि उसको एक्सप्रेशन दे रहे हैं वहां पर सेकमॉल के जो जिन्होंने सेकमॉल का संस्थापक सेकमॉल के संस्थापक सोनम वांगचुक, वहां पर बीजेपी की पोजीशन डेफिनेटली पतली है। वहां पर बीजेपी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन अब चूंकि बातचीत 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 और ग्राउंड पर कुछ भी नहीं, और उसके बाद सोनम वांगचुक जो वहां पर बैठे हैं उसके कारण जो है बहुत हद तक जो है वहां तब्दीली आई है। दूसरा ये भी आपको याद रखना होगा कि 2014 के चुनाव में वहां से बीजेपी केवल 39 वोट से जीती थी, और 2019 के चुनावों में बीजेपी ने 10,000 वोटों से वही सीट जीती थी। ठीक है, इस समय परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। डेफिनेटली वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर अपना प्रत्याशी करगिल से खड़ा करती है तो दे विल हैव एन एज, बट टू से कि 370 के वक्त वो लोग क्या कहते हैं, बहुत उनको था कि हमको यूनियन टेरिटरी मिल गई और अब वो बहुत दुखी हैं, दैट्स नॉट द केस। द केस इज कि दे आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव गॉट, लेकिन वो चाहते हैं कि आप पूर्ण राज्य दे दें, आप सिख शेड्यूल दे दें, आप हमको गारंटीज दें, और उन गारंटीज के साथ हम आपको आप हमको लेजिस्लेचर दें। तो ये जो मांग है, एक लोकतांत्रिक देश में तो ये सारी मांगे आप रखते हैं और उसके लिए आप लड़ाई भी लड़ते हैं, इसका कहां मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि हमको जम्मू कश्मीर में वापस से मिलना है और दोबारा जम्मू कश्मीर का एक अंग बनकर रहना है। जी, एक इसी में एक चीज और कि एक वहां लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, LBA, बाद में कई लोग ये कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लॉन्चिंग पैड बन गया कि LBA में लोग आते हैं, पद लेते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। PT कुंजांग इसके पहले वहां पर LBA प्रेसिडेंट थे, अभी वो बीजेपी के नेता हैं। ये कहा जाता है, मैं वहां गया था जब 370 के अनुच्छेद हटाए गए थे वहां, तो वहां के कई लोगों ने ये कहा कि बीजेपी ने जो पैठ वहां के बौद्ध समाज में अपनी बनाई है वो LBA के रास्ते से बनाई है, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंशियल लॉबी है, धार्मिक लॉबी है। इस चुनाव में LBA की भूमिका क्या है जब सोनम वांगचुक एक तरफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जहां तक LBA का ताल्लुक है, LBA इस समय इस पूरी एसोसिएशन का समर्थन कर रही, ये जो वहां पे चल रहा है इसको समर्थन कर रही है, LBA का एक हिस्सा। वही LBA का एक हिस्सा वो भी है जो इस समय भी समानता की, ठीक है हम केंद्र सरकार के साथ बात करके कोई रास्ता निकाल के आगे बढ़ सकते हैं, ये इस तरीके की स्थिति है। मगर कुल मिलाकर लद्दाख की स्थिति इस समय यही है कि जनाब आप हमें हमारी या तो मांगे, वो पूरे लद्दाख का सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट लेह का या करगिल का नहीं, पूरे लद्दाख का सेंटिमेंट है कि हमें लेजिस्लेचर चाहिए, हमें गारंटीज चाहिए, उसके बगैर बात बनेगी नहीं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहां पर मैंने आपको बोला कि लोकसभा की सीट जो है बीजेपी के लिए खतरे में है।